नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा होने वाले विधानसभा चुनाव और विधानसभा में उम्मीदवार उतारने को लेकर भोपाल में कार्यक्रम और प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें फहीम अहमद और राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग के नेतृत्व में इस पूरे कार्यक्रम को कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने होटल जेवल पैलेस में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रखा गया, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार साहब के विचारों और सिराज मेहंदी साहब पूर्व विधायक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के दिशा निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर विशेष चर्चा की गई, जिसमें अल्पसंख्यक विभाग के पूरे प्रदेश में लगभग 10 विधायकों को चुनाव लड़ाने की बात रखी गई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के निरीक्षक फहीम अहमद साहब के द्वारा इनकी जानकारी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन सिराज मेहंदी साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब को दी जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक को मजबूत करेगी, जिसके साथ साथ मध्य प्रदेश में अपनी पूरी सक्रियता के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियों में लग चुकी है और आने वाले दिनों में जल्द ही पूरे विधानसभा से उम्मीदवारों की लिस्ट निरीक्षक के द्वारा पवार साहब को पहुंचाई जाएगी। जैसे ही कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग की कमेटी को निरस्त कर दिया गया था, जिसके लिए आज कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष से लेकर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश अध्यक्ष और कमेटी के लिए कई नाम चयनित किए गए हैं, जो इस महीने के अंत तक अल्पसंख्यक विभाग मध्य प्रदेश की पूरी नई कमेटी तैयार की जाएगी। आज इस कार्यक्रम में रीवा जिले से आए मोहम्मद इस्लामुद्दीन मिराज मनिहार, सतना जिला से इमरान सौदागर, अब्दुल हफीज कादरी, छतरपुर से खुर्शीद अहमद नियाज खान, टीकमगढ़ जिले से मोहम्मद इकबाल मुस्ताफ खान सहित काफी तादाद में लोग मौजूद रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबर की जानकारी के लिए आप बने रहें केकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।